हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अक्सर आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि फेस न्यूट्रल और अर्थ में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि क्या अंतर होता है। देखिए, सबसे पहले आपको इनके बारे में बेसिक बातों का पता होना चाहिए। जैसे कि फेस है, फेस को हम लाइव वायर भी बोलते हैं, हॉट वायर भी बोलते हैं, मेन वायर भी बोलते हैं और गर्म वायर भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं न्यूट्रल की, इसको हम कोल्ड वायर या ठंडा वायर बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम अर्थ की, इसको हम ग्राउंडिंग भी बोल सकते हैं या ग्राउंड वायर भी बोलते हैं। जो हमारा फेस होता है उसमें हम रेड वायर का यूज़ करते हैं, जिससे हम फिटिंग करने में या उनको अच्छे से मैनेज करने में हमें पहचान हो सके कि फेस वायर कौन सा है, रेड वाला। तो न्यूट्रल का भी हम ऐसे ही करते हैं, रेड और ग्रीन को छोड़ के हम इसमें किसी भी वायर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, इन वायर का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अर्थ को हम हमेशा ग्रीन वायर का रखते हैं, जिससे कि हम अच्छे से पहचान कर सके। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फेस और न्यूट्रल क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये यहाँ पे फेस है और इधर ये यहाँ पे न्यूट्रल है। फेस का काम होता है पावर को आगे करना, यानी कि फेस में पावर आगे जाती है और न्यूट्रल में वापस आ जाती है। सपोज़ कीजिए यहाँ पे कोई भी आपकी डिवाइस है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है या आपका फ्रीज है, तो यहाँ पे ये क्या बोलता है फेस कि यहाँ से करंट जाएगी और न्यूट्रल से करंट आएगी। लेकिन जो ये करंट है ये कब लगेगा, या मैं बोल सकता हूँ इसमें करंट कब जाएगा, ये डिवाइस कब वर्क करेगी, तो ये बोलता है अगर मुझे जाने का रास्ता मिल रहा है तो मुझे आने का रास्ता भी मिलना चाहिए। फेस का मतलब होता है करंट का जाने का रास्ता और न्यूट्रल का मतलब होता है करंट का आने का रास्ता। फेस जो होती है करंट को जाने देती है और न्यूट्रल वायर करंट को आने देता है। अगर आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं मिलती तो आपकी ये डिवाइस यहाँ पर वर्क नहीं करेगी, या इस डिवाइस की जगह यहाँ पर आप भी हो, आपने एक हाथ से यहाँ पकड़ा और एक हाथ से यहाँ पकड़ा, तो ये आपको करंट नहीं मारेगी अगर यहाँ पर आप न्यूट्रल को टच नहीं करोगे। सपोज कीजिए आपने सिर्फ यहीं पे टच किया तो करंट आपके अंदर आ तो रही है और आप किसी ग्राउंड से या न्यूट्रल से कनेक्ट नहीं हो तो आपको ये करंट नहीं मारेगी। जैसे चिड़िया होती है, पक्षी होते हैं, ये यहाँ पे फेस पे बैठे रहते हैं लेकिन उनको करंट क्यों नहीं लगता, वो इसी वजह से नहीं लगता, उनके अंदर करंट तो आ रही है, यानी कि उसको आने का रास्ता तो मिल रहा है करंट को, लेकिन जाने का रास्ता उसको नहीं मिल रहा। अगर लेकिन वे फेस के साथ साथ न्यूट्रल से भी कनेक्ट हो जाती है, यहाँ पे कोई भी पशु है, ये इसी वो सॉरी फ्रेंड्स पक्षी है, ये यहाँ पे भी कनेक्ट हो गया, ये यहाँ पे भी कनेक्ट हो गया, तो ये इसको करंट मार देगी क्योंकि आने का रास्ता भी इसको मिल गया और जाने का रास्ता भी इसको मिल गया। तो यहाँ पे फेस क्या है, कमिंग करंट, या हम यहाँ पे डिवाइस की बात की हमने, मैंने आपको बताया कि ये आने का रास्ता हो गया लेकिन ये वर्क तभी करेगी तब इसको जाने का रास्ता भी मिलेगा। तो फेस क्या कराता है, करंट को आने देता है, न्यूट्रल का क्या करता है, करंट को जाने देता है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सांस लेते हो तो ये हो गया आपका फेस, यानी कि सांस आपको आ रही है, लेकिन जब तक आप सांस नहीं छोड़ोगे तो आप तब तक जिंदा नहीं रहोगे। आप बस सांस लिए जा रहे हो तो ऐसे आप जिंदा नहीं रह पाओगे क्योंकि आपको सांस को छोड़ना भी पड़ेगा। तो सांस कौन छोड़ रहा है यहाँ पे एक तरीके से, न्यूट्रल। तो डिवाइस कौन है, आप हो, यहाँ पे डिवाइस कौन है, आप, तो डिवाइस तभी वर्क करेगी अगर आप सांस ले रहे हो, यानी कि आपको फेस मिल रहा है और न्यूट्रल भी मिल रहा है, आप सांस छोड़ रहे हो तो आप यहाँ पे जिंदा हो, तब तक यहाँ पे डिवाइस काम कर रही है, अदरवाइज नहीं करेगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फेस मतलब कमिंग करंट, करंट क्या कर रही है, यहाँ पे कम कर रही है, डिवाइस के अंदर आ रही है। न्यूट्रल मतलब ये रिटर्न वापस जा रही है, तो इसे आने का भी रास्ता मिलना चाहिए और जाने का भी रास्ता मिलना चाहिए, तब ये डिवाइस वर्क करेगी, अदरवाइज वर्क नहीं करेगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अर्थ की, अर्थ का यूज़ करते हैं हम सेफ्टी के लिए। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिए, यहाँ पे फेस है, ठीक है, और ये यहाँ से इसका वायर कोई भी यहाँ पे डिवाइस में टच हो गया और ये इसको न्यूट्रल भी मिल रहा है, लेकिन ये वायर यहाँ पे डिवाइस से टच हो गया, इसको हम बोलेंगे लीकेज करंट, मतलब ये लीकेज हो गई। तो जैसे ही ये सपोज कीजिए फ्रीज है ये डिवाइस, आप इसको ओपन करने गए और आपने यहाँ पर हाथ लगा दिया तो ये आपको यहाँ पर करंट मार देगी, क्योंकि सपोज कीजिए ये यहाँ पर आप हो, ठीक है, ये यहाँ पर आप हो, आप यहाँ पर नीचे ग्राउंड से मतलब ज़मीन से कनेक्ट हो, तो ज़मीन यहाँ पे एक तरीके से क्या काम करेगा, ये ग्राउंड, ये न्यूट्रल का काम करेगा, जो हमारा न्यूट्रल होता है उसका वर्क करेगा। इसके पास यहाँ पे करंट तो आ गई फेस से, ठीक है, फेस से क्या आ गई यहाँ पे करंट आ गई, इसको आने का रास्ता मिल गया और जाने का रास्ता मिल गया इसको ग्राउंड से, क्योंकि आप ग्राउंड से कनेक्ट हो तो ये आपको करंट मार देगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड से कनेक्ट नहीं हो, आप ऊपर ही हो, तो ये आपको करंट नहीं मारेगा, लेकिन आप ग्राउंड से कनेक्ट हो तो ये करंट मार देगा। तो हम
इस स्थिति में यूज करते हैं अर्थ का। हम क्या काम करते हैं, एक वायर लेते हैं अलग से और इससे कनेक्ट करते हैं इसी डिवाइस से, और उसको पहले से ही अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि जमीन में कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे करंट नहीं लगता। वो क्यों नहीं लगता, अब आप पूछेंगे, क्योंकि आप तो फिर भी इससे कनेक्ट हो, वो क्यों नहीं लग रहा फिर आपको। देखिए, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, मतलब बांधा, वो 10 ओम से भी कम होती है, लगभग 8 ओम के बराबर होता है। और जो ये 8 ओम होता है, ये बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है। और जबकि जो कोई भी इंसान है उसका 1 लाख तक रेजिस्टेंस होता है, कम से कम 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक का रेजिस्टेंस होता है। तो अब आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, आप यहाँ पे बाइक लेके जा रहे हो, ठीक है, आपको एक यहाँ पे छोटा ब्रेकर मिला और एक यहाँ पे बहुत बड़ा, तो आप किधर को जाओगे, आप इधर को जाना पसंद करोगे क्योंकि ये यहाँ पे रुकावट बहुत कम है, तो आप इधर से चले जाओगे। लेकिन जब आप इधर से जाओगे तो ये इसको आपको आगे जाने नहीं देगा, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आप बड़ी आसानी से इधर को जाओगे। तो ऐसे ही यहाँ पे इसका काम है करंट का, करंट किधर को जाने की कोशिश करेगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, जहाँ पे बांधा रुकावट कम होगी। तो रुकावट कहाँ पे कम है, इधर की साइड, क्योंकि ये 8 ओम है और जो इंसान होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 1000 से लेकर 1 लाख तक होता है, और इसका केवल 8 ओम होता है, ठीक है। तो ये इधर से जाने की कोशिश करेगी, तो सारा का सारा करंट इधर पास हो जाता है, लीकेज करंट। तो इसका यही यूज़ होता है, यहाँ पे सेफ्टी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे पता चल गया होगा फेज, न्यूट्रल और अर्थ में क्या डिफरेंस होता है। और देखिए, एक बात और बता देता हूँ, जो आपका घर में बोर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ बोर्ड होता है, तो आपका फेज सपोज कीजिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया ये, और न्यूट्रल आपका यहाँ पे करंट कनेक्ट हो गया, तो जो ये ऊपर वाला होता है ये अर्थिंग का ही होता है, ठीक है। आप इस वायर को, ये जो वायर है ये वाला, आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो फिर आपको ये यहाँ पे सेफ्टी मिल जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको इंटरव्यू से रिलेटेड ऐसी मेन क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।